दोस्त आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेटमेट एप्लीकेशन के बारे में। और मेटमेट एक लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे हमें होस्टिंग आईडी क्रिएट करना है, कैसे यहाँ पे काम करना है और पेमेंट कैसे यहाँ से विड्रॉ होगा। मतलब ये इस एप्लीकेशन के बारे में सारा डिटेल आपको बताऊंगा। तो समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और कहीं पे कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्त वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये मेटमेट की कहानी। दोस्त मेटमेट एप्लीकेशन काफी पहले लॉन्च किया गया था चैमेट की तरफ से ही, ठीक है। उस समय ये नया प्लेटफॉर्म था और यहाँ पे सिर्फ रैंडम कॉल्स आते थे, ऑनलाइन रह के सिर्फ हमें रैंडम कॉल्स अटेंड करना होता था और उसी से हमारी अर्निंग होती थी। लेकिन मेटमेट का ये जो आइडिया था ये फ्लॉप हो गया, ये ज्यादा चला नहीं। दूसरा, आजकल अगर आप इस तरह के एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो आपको पता होगा कि चैमेट एप्लीकेशन भी आजकल कुछ दिन पहले ही प्ले स्टोर से रिमूव हो गया था या फिर यहाँ पे इंडिया में डाउनलोड नहीं हो रहा। तो जब तक चैमेट प्ले स्टोर पे दोबारा नहीं आता तब तक जो भी व्यूअर्स हैं वो उनमें एक अफवाह फैल गया था कि चैमेट एप्लीकेशन बैन हो गया इंडिया में, या फिर जो भी मेंबर्स हैं वो पैनिक होने लगे, यहाँ से पेमेंट विड्रो करने लगे और यहाँ पे काम करना बंद करने लगे। तो इस चीज को बचाने के लिए चैमेट एक तरह से मतलब चैमेट को तो ठीक कर रहा है ऐप को कि वो दोबारा से प्ले स्टोर पे आ जाए, लेकिन साइड बाई साइड उन्होंने क्या किया कि जो इनका मेटमेट एप्लीकेशन फेल हो गया था इसी में चैमेट का सारा डाटा उन्होंने अपलोड कर दिया और इसको दोबारा से उन्होंने रीडिजाइन करके और यहाँ पे प्ले स्टोर पे ऐड कर दिया कि यहीं से जो भी मेंबर चैमेट में काम करना चाहते हैं वो काम कर सके। तो मेटमेट कोई नया एप्लीकेशन नहीं है, अभी के टाइम पे ये चैमेट ही है। तो चैमेट में होस्टिंग का जो भी प्रोसेस हमने डिस्कस किया हुआ था उसी को फॉलो करेंगे आप तो यहाँ पे भी आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे आप होस्टिंग करके और चैमेट वाले तरीके से पेमेंट यहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे। अब कैसे होता है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, या फिर जिनको भी चैमेट में आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस नहीं पता तो उनको भी मैं यहाँ पे बता दूं कि चैमेट एप्लीकेशन में या मेटमेट में आईडी क्रिएट करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए चैमेट और मेटमेट दोनों का ही लोगो दिखा रहा है और यहाँ पे काम करने के लिए आप गूगल से या फोन नंबर से किसी भी तरीके से आईडी क्रिएट कर सकते हैं और उसी से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इवन जिनका भी चैमेट में पहले से आईडी बना हुआ है वो लोग सिर्फ मेटमेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और वही आईडी उसी मोबाइल नंबर या गूगल की आईडी से लॉग इन करेंगे जिससे चैमेट की आईडी बनी थी, तो उनका मेटमेट में लॉग इन हो जाएगा और यहाँ पे भी वो काम कर पाएंगे। नहीं है चैमेट में पहले से आईडी तो आप प्रोसेस समझ लीजिए, जिससे भी आप गूगल से या फोन नंबर से आईडी क्रिएट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने गूगल सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे अपना जीमेल आईडी लिख देना है और जीमेल आईडी में आपको सिर्फ आगे का लिखना है @gmail.com, यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। बहुत से मेंबर ये गलती करते हैं कि पूरा जीमेल आईडी लिखते हैं तो फिर वो यहाँ पे लोड नहीं लेगा, ठीक है, सिर्फ आगे के लिखने हैं @gmail.com पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना आईडी लिख देना है, फिर ये कोड जो दिया गया है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पे कोई आईडी लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से ऐसे आपको आईडी लिख देना है, @ वाला वर्ड नहीं लिखना। फिर ये जो कोड दिया गया है यहाँ पे 0645 ये आपको लिख देना है और ये लिखने के बाद सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे तो इस आईडी पे एक कोड सेंड हो जाएगा, वो कोड आपको यहाँ पे लिख देना है और लिखने के बाद बाइंड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली बाइंड हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि प्ले स्टोर पे जाना है और मेटमेट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो आपसे पूछेगा कि किस तरीके से आप लॉग इन करना चाहते हैं। आपको स्टार्ट के ऑप्शन पे कभी भी क्लिक नहीं करना, ठीक है, आपके पास जो गूगल का ऑप्शन है, फोन का या जीमेल का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने गूगल पे क्लिक किया तो जो भी आईडी मेरे पास यहाँ पे ओपन है वो दिखाएगा, लेकिन अगर आप जीमेल पे क्लिक करेंगे तो फिर आपसे वही जीमेल आईडी पूछेगा जो भी वर्ड हमने लिखा था जिससे हमने लॉग इन किया था, ठीक है, या फिर इस पेज पे हमने जो भी आईडी वेरीफाई किया था। आपने क्या करना है कि ये यहाँ पे लिख देना और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे तो दिखा दिया कि ये ईमेल आईडी हमारा गलत है, लेकिन जब आप सही ईमेल आईडी अपना डालेंगे तो एक कोड चला जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे मतलब वो कोड यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो मेटमेट एप्लीकेशन में आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा, फिर यहीं पे आप काम कर पाएंगे। ये तो प्रोसेस रहा कि अगर आप जीमेल आईडी से अपना मेटमेट आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, तो अगर आप मोबाइल नंबर से आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर से वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, फिर आप आ जाएंगे इस पेज पे, फिर फोन पे आपको क्लिक करना है, अपना यहाँ पे जैसे कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको इस तरीके से टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद ये जो कोड है यहाँ पे ये लिख देना है आपको 1404, ये हमेशा अलग रहता है, तो ये लिख देने के बाद आपको फिर सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए कोड सेंड हो गया इस नंबर पे, वो कोड यहाँ पे आपको वेरीफाई करके बाइंड पे क्लिक कर देना है, तो फिर ये नंबर यहाँ पे बाइंड हो जाएगा दोनों ही एप्लीकेशन से। उसके बाद आप चैमेट चाहे मेटमेट जो भी ऐप यूज करना चाहते हैं वो आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद इसी मोबाइल नंबर से आपको लॉग इन कर लेना है इसमें। फिर लॉग इन कैसे करना है, यहाँ से आपको बैक आना है, बैक आने के बाद फोन पे क्लिक करना है, फिर वही नंबर आपको सेलेक्ट यहाँ पे ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक कोड आ जाएगा इस नंबर पे, वो कोड
कोड यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे तो आपका आईडी यहाँ पे साइन इन हो जाएगा। आईडी साइन इन हो जाने के बाद फिर आपने क्या करना है कि एक एंड एप्लीकेशन होता है वो डाउनलोड करना है। एंड एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके वो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसी मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी से वहां पे भी लॉगिन करना है। ये एप्लीकेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि फेस वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं होता, एंड एप्लीकेशन के थ्रू होता है। वहां पे आप फेस वेरिफिकेशन करेंगे तो आपका चैमेट में या मेटमेट एप्लीकेशन में आपका फेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो वहां पे आप अपना फेस वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद आपका जो भी ये आईडी है, अब जैसे मेरा पहले से यहाँ पे आईडी बना हुआ है तो मैं यहाँ पे वो आईडी लॉगिन कर लेता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखा पाऊँ। अब जैसे मेरा ये आईडी यहाँ पे ओपन हो गया है तो अब देखिए ये प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका आईडी नंबर, निक नेम यहाँ पे दिखाएगा और जेंडर दिखाएगा, एज वगैरह सारा दिखाएगा। आपने क्या करना है, इस पेज का एक स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद इसी पेज पे नीचे देखेंगे तो आपने जो भी गूगल आईडी या मोबाइल नंबर से बाइंड किया था अपना आईडी या अपना आईडी क्रिएट किया था ये भी यहाँ पे दिखाएगा, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेना है। और ये दोनों स्क्रीनशॉट आपने अपनी एजेंसी को व्हाट्सएप कर देना है ताकि चेक कर लें कि आपकी आईडी में होस्टिंग हुई है या नहीं हुई है, आपका फेस वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ, या मेट वॉलेट आईडी क्रिएट करने के टाइम पे आपकी हेल्प की जा सके। तो जब ये आप भेजेंगे अपनी एजेंसी को तब वो लोग चेक करके आपको बताएंगे, अगर आपकी आईडी में कोई कमी रहेगा तो वो आपका ठीक करवाएंगे, उसके बाद आप इस एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट भेजने का टाइम जो रहता है, मतलब जब भी आप आईडी क्रिएट करते हैं ना तो उसके नेक्स्ट 24 आवर्स से पहले पहले ही आपको ये आईडी का स्क्रीनशॉट अपनी एजेंसी से भेज के कंफर्म करवा लेना होता है, अदरवाइज बाद में कभी भी ये आईडी में होस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो जब भी आप आईडी बनाएं यहाँ पे तो 24 आवर के अंदर अंदर, मतलब जब भी आईडी क्रिएट करें तुरंत ही एजेंसी को आप व्हाट्सअप कर दें। एजेंसी का व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद जैसे एजेंसी की तरफ से गाइड किया जाता है वैसे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे हम टारगेट के बारे में और पेमेंट विड्रॉल के बारे में, तो यहाँ पे 1,00,000 पॉइंट का टारगेट रहता है, 1,00,000 बीन्स यहाँ पे बोलते हैं, और 1,00,000 बीन्स होने के बाद आप अपने पेमेंट को खुद से यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए एक मेट वॉलेट आईडी क्रिएट करना होता है जिसको एरी पे भी बोलते हैं। वो कैसे क्रिएट करना होता है वो वीडियो में आई बटन पे ऐड कर देता हूँ, या फिर जो एजेंसी वाले हैं वो भी आपको गाइड कर देंगे और पेमेंट विड्रॉल में आपकी सारी हेल्प कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या एजेंसी का जो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।